माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना गोश्त टेंडर हो चुका है माशाल्लाह। ओहो वाह 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 जी वाह, क्या बात है। मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये चूज़ा मैंने क्या करना है। तो इसका करना ये है कि आज हम जी बनाएंगे व्लॉग एक रेसिपी के ऊपर जो कि है दम पुख्त। मैंने इंटरनेट पे देखा था, काफ़ी वायरल जा रहा था, तो अभी जी इसका बनाएंगे दम पुख्त। और आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। माशाल्लाह जी तैयार है जी हमारा मुर्गा, हमने ज़िबा कर लिया था। सीन ये था कि ये बड़ा ना नोटी हो गया हुआ था, ये ना दूसरे का मतलब पड़ोसियों के घर जाकर ना तो सारा सारा दिन उधर ही रहता था, वापस आता नहीं था। तो फिर हमें मजबूरन जो है ना ये डिसीजन लेना पड़ गया। नहीं जी ये हमारे पास गोश्त है, तो अभी हम जी इसका करते हैं बनाते हैं दम पुख्त, आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है, क्योंकि मैंने भी टिकटॉक पर वीडियो देखी थी तो उसी पर बेस्ड बनाने लगे हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन करेंगे जो खुद से होगी। तो बनाते हैं जी अपना दम पुख्त। तो करते हैं जी अभी स्टार्ट अपनी रेसिपी। हमारे पास जी ये मौजूद है गोश्त और नींबू और आलू टमाटर, और ये मैंने बाहर जी चूल्हा लगवा लिया। नहीं जी अभी हम गोश्त में डालेंगे जी 2 से 3 नींबूओं का रस, जो कि हम काट के इसके अंदर करेंगे जी मिक्स। और नींबू बड़े छोटे छोटे से हैं क्योंकि सीज़न आउट है। गोश्त को अच्छे से धोने के बाद हम जी नींबूओं का रस इसमें ऐड करेंगे। नहीं जी नींबू डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसलिए कि नींबू का रस इसमें हर जगह पे लग जाए। इससे ये होगा कि हमने इसे बनाना है, ये ना असल में पठानों की बड़ी दम पुख्त जो है ना मशहूर गज़ा है। जैसे हमारे इधर कढ़ाई होती है वैसे ही उधर उनका दम पुख्त है। नहीं जी अभी हमने जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो बनाया था घर में ही, वो हम डालेंगे जी इसमें, और इसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। हमने इसमें डाला जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अभी इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी काली मिर्च। तो जी अभी हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थिंक कितना काफ़ी है, और सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च ही जाती है जायके के लिए, और बाकी टमाटर और हरी मिर्चें वो भी हम आपको बताते हैं किस टाइम पे ऐड करनी है। तो ये सारी हमने रेसिपी देखी थी जी इंटरनेट से, और उसी से देख के बना रहे हैं, दुआ करो कि अच्छी बन जाए। तो अभी हम करने हैं जी इसे मिक्स, और मिक्स करके 10 से 15 मिनट इसे साइड पर रखेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। इसको जी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला हर जगह इसके अंदर लग जाए। लें जी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा गोश्त जो है, इसमें अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। और अभी इसे हम बनाएंगे जी कच्ची हांडी के अंदर जो कि हमारे पास मौजूद है। इसको ही हम रखते हैं साइड पे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी एक एवरेज साइज़ के आलू। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि गोश्त ने इसके ऊपर ही पकना है, तो गोश्त नीचे ना लगे इसलिए हम आलूओं को सबसे नीचे लगा रहे हैं। और ये जी हमारे आलू लग चुके हैं, इसके ऊपर अब हम जी अपना जो गोश्त था जो हमने 10 मिनट पहले किया हुआ था प्रिपेयर किया था, ये सारा अभी इसके अंदर डालते हैं।
लें जी। आलू लगाने के बाद हम ये जो हड्डी का गोश्त है ये नीचे रखेंगे, गर्दन हो गई और विंग्स वगैरह, कोशिश करें कि हड्डी वाला गोश्त नीचे ही जाए क्योंकि देसी मुर्ग है। वैसे तो ये अमूमन बनता है मटन और बीफ में बनता है, लेकिन ये जी हमारे पास इस वक्त यही अवेलेबल था तो हमने सोचा क्यों ना इसी का बनाया जाए, तो इसलिए हम जी उनकी जगह पे मटन और बीफ की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं जी अपने घर के मुर्गे को। तो लें जी, अभी हमने हड्डी का गोश्त सारा नीचे लगा लिया है और अभी हम बाकी का भी जो सारा तो जी आलू और गोश्त तरतीब के साथ लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे जी टमाटर, थोड़ा सा लेमन और हरी मिर्चें, वो भी हम आपको दिखाते हैं जी। तो टमाटर आपने रख देने, ये रहे जी टमाटर, तीन अदद टमाटर एवरेज साइज़ के, और हरी मिर्चें साबत रखनी है, और ये लेमन आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जी हम हैं ज़रा पंजाबी लोग तो हमें अगर इसका कलर ठीक ना हो, सालन का कलर ठीक ना हो तो हमें वैसे ही जो है ना वाइब नहीं आती, तो इसलिए मैं अपने तौर पे ऐड कर रहा हूँ, इसलिए अगर कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बिल्कुल माइनर सी डालेंगे जी बीच में हम हल्दी सिर्फ कलर के लिए, थोड़ी सी जी हल्दी डाल दी है। और अभी हम इसमें जी ऐड करेंगे 2 से 3 कप पानी, माशाल्लाह जी अभी हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड हो गया और इसमें जो भी लवाजमात हमने ऐड किए हैं वो आपने देख लिए हैं, और इसके बाद इसमें जो ऐड होगा वो अगर बीफ और मटन में बनाए ना तो उसमें उनकी चर्बी यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास मुर्गा है इसकी चर्बी नहीं है, तो हम इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल या देसी घी या वैसे घी यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद जिसे हम करेंगे बंद वो भी हम आपको सारा कुछ बताते हैं। तो मेन बात ये थी कि चर्बी की जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर घी, हमने इसमें 2 कप घी ऐड कर लिया, और अभी हम करते हैं जी इसे एयर टाइट बंद। लें जी अभी हम करने लगे हैं इसे एयर टाइट, और उसके लिए हमें जी सबसे पहले आटा, मुझे लगता है ज़्यादा है लेकिन आई थिंक इस तरह काफ़ी होगा, हमारे पास जी मिट्टी का ढक्कन नहीं था तो इसलिए हमने इसके जुगाड़ के साथ जो है ना हमने इसको ढक्कन बनाया है इसका, इसे टाइट करने के लिए आटा गूंद के, और आटा जी अभी हम इसके ऊपर रखेंगे जी इसकी प्लेट, और बिस्मिल्लाह अच्छे से इसके कॉर्नर बंद करके आ जाओ उसी, अभी हम जिसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर, अभी जी हम इसकी जो आंच है वो बिल्कुल धीमी रखेंगे, इसके नीचे जी हमने धीमी सी आंच लगा दी है, इसको एयर टाइट कर दिया है, और अभी इसके ऊपर हम रखेंगे जी वेट, और कम से कम 2 से 2.5 घंटे हम इसे धीमी आंच पे ही पकने देंगे। तो अभी हमने अपने सारे लवाजमत पूरे कर दिए हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरी जो रेसिपी इसकी है उसी पर पूरा उतरा जाए। चर्बी की जगह पर हमने जी यूज़ कर लिया है घी, और कलर के लिए हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी इसके अंदर, तो अभी जी हमने नीचे आंच हल्की इसकी बिल्कुल हल्की सी आंच लगा दी है जो कि 2 से 2.5 घंटे इसको अच्छे से कुक करेगी, और अभी इसके ऊपर रखते हैं थोड़ा सा वज़न जी, इसके वेट को पूरा करने के लिए हम जी ऊपर से ले आए हैं, छत से ले आए ईंट जो कि हम इसके ऊपर रखेंगे, 1, 2 और 3, तो जी अभी हमने इसे कर दिया एयर टाइट, और इसे खोलेंगे ठीक 2 से 2.5 घंटे बाद। अगर वीडियो को मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, तो
मैं बेसिकली बनाता तो व्लॉग्स ही हूँ, लेकिन ये है कि जब कोई नई चीज़ ट्राई की जाए तो आपको भी ज़रूर दिखाई जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर ली थी। तो मिलते हैं आपको 2.5 घंटे बाद। 2 hours later जयन जी, ठीक 2.5 घंटे बाद हमने इसको बंद कर दिया, इसकी फ्लेम को, और अभी इसे उठा के ले के चलते हैं अंदर, और मोमेंट ऑफ द ट्रुथ अभी पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। दुआ शुआ करो कि सब कुछ ठीक ही हो, लेकिन खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब इसे उठाते हैं और ले कर चलते हैं जी अंदर, और जाके देखते हैं कि इसको खोल के इसके अंदर क्या निज़ाम होता है और इसका कैसा टेस्ट बनता है। नहीं जी, हम आ चुके हैं इसको लेकर, आया है इसको भी हम खोलने लगे हैं। आटा तो काफ़ी सख्त हो चुका है और गर्म भी काफ़ी हो चुकी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल जाओ सिम सिम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और अभी इसे हम डालते हैं दूसरी साइड पे, और शक्ल तो बड़ी अच्छी सुरीली लग रही है, और दुआ करें कि इसका टेस्ट भी मज़ा हमें आए इस चीज़ का। तो अभी इसे हम डालते हैं दूसरी साइड पे और दिखाते हैं आपको क्या शॉट बनते हैं। इसके अंदर जो इसका जूस बना हुआ, वाह शोरबा, और बिल्कुल ऑथेंटिक ही लग रहा है। बाकी आपको हम दिखाते हैं इसको उंडेल के क्या शॉट बनता है और क्या नहीं। माशाल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी। लें जी, मेरा पहला तजुर्बा था और पहला तजुर्बा ही हमारा कामयाब हो गया। अभी इसको करते हैं जी टेस्ट। वाह, इसको मैंने इसलिए उंडेला ताकि मैं आपको दिखा, मैं ख़ुद भी थोड़ा सा ना कंफ्यूज था इसी वजह से कि कुछ पता नहीं नीचे ना लग गया हो या जो भी निज़ाम हो, लेकिन ये देखें वो जो आलू नीचे थे उन्होंने गोश्त को सेव रखा है और बेचारे खुद जल गए लेकिन गोश्त नहीं जल। तो शक्ल तो बहुत अच्छी है, अभी से मैं करता हूँ ट्राई और आपको बताता हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि वाल साहब तो मौजूद नहीं है अभी और वैसे गया हुआ जी ट्यूशन, तो मैं इसे ट्राई करके बताता हूँ कि मेरे टेस्ट बर्ड के हिसाब के साथ कैसा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जी अभी करते हैं इसे टेस्ट और देखते हैं कि हमारी जो 3-4-5 घंटे की मेहनत है वो रंग लाई है कि नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं जी स्टार्ट। ऑप्टिमम से ये एक बाइट बनाते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना गोश्त टेंडर हो चुका है माशाल्लाह। ओहो वाह 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 वाह, वाह जी वाह, क्या बात। मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना लाइट जायका इसका, हल्का सा नमक और टमाटर की जो ग्रेवी होती है वो, और आलू और गोश्त का जो पानी, मतलब यखनी जो होती है ना, जो पक पक के यखनी गाढ़ी हो चुकी होती है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। जो बंदे ज़्यादा मर्च यूज़ नहीं करते
तेज़ मसाले नहीं पसंद, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया मुझसे, लेकिन जो बंदे भी लाइट और सादी हंडियाँ खाना पसंद करते हैं, यार मैं ज़रा एक और लुकमा लगा रहा हूँ, चरा नहीं जा रहा, बहुत मज़े का बना मेरी जो, मैं खुद बड़ा मतलब ना खाता हूँ खाने मसाले वाले, लेकिन ये जो है वाह, इतना मज़े का और इतना टेंडर बना हुआ है ना, अब मैं अपने मुंह से क्या अपनी तारीफें करूँ, और शाम को बाबा आएंगे, बाबा को टेस्ट करवाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि मैं वाकई में सच बोल रहा हूँ। और मैं सच में ये यही सोच रहा था कि यार हमारे टेस्ट बर्ड अलग हैं, और जो लोग पहाड़ों में पठान वगैरह लोग भाई लोग रहते हैं उनके टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, तो शायद ही मुझे जो है ना मज़ा ना आए, मगर इतना कमाल का बना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो जी ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अभी बाबा आएंगे काम से, तो शाम को हम बाबा को खिलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कैसा लगा जिसका टेस्ट। और बाकी अगर आपने घर में बनाना हो तो वीडियो आपने देख ली है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे भूनना या ऐसे करना वैसे करना कुछ भी नहीं, सारा कुछ बीच में डालो, बंद करो, रख दो, टेंशन फ्री। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है और कोई इसमें ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च नहीं है, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि इसमें जो ऑथेंटिक जायका होता है ना गोश्त का, जो मुँह में जा के घुल जाता है, आ हा हा हा। मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूँ, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब बाबा आ जाएंगे, तो बाबा को बताएंगे जी बताएं आपको अब कैसी लगी है जी मेरी हांडी। Two hours later. अभी मैं और बाबा वेट कर रहे हैं सालन का, और अभी बाबा से रिव्यू लेते हैं जी सालन कैसा बना और क्या कैसा टेस्ट लगा बाबा को मेरे बनाए हुए एकदम पुख्त का। वैसे भी मैं ऑफ द कैमरा घर में जब मेरा दिल करता तो मैं कोई ना कोई रेसिपी जरूर बनाता हूँ, तो इस बार भी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने एक न्यू चीज़ बनाई है जो कि हमारे घर में पहली बार बनी है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन बनता है बाबा का। माशाल्लाह जी, ले जी दम पुख्ता आ गया बाबा जी, दम पुख्ता आ गया, दम पुख्ता, दम पुख्ता आ गया, दम पुख्ता, और जैसे पठान डांस करते हैं बाबा बिल्कुल ऐसे डांस कर रहे हैं। बाबा जी करो ट्राई तो दसो कैसा बने। क्या बात है जी, इन्ना नहीं खलासी करते पे साढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप रे बाप, क्या बात है, बहुत मजेदार है। अच्छा जी, वैसे सन अच्छा राजी दे पैसे काटे मेरे उस जेब जिस जेब कोई पैसा नहीं। बहुत मजा नहीं है, बहुत मजा आया, मजा आया, सही बस ठीक, शादी का बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, ये था जी बाबा का रिव्यू, बाबा कह रहे हैं जी अच्छा है, लाइट साइज का जायका है और मजे का बना है, सादा गजा वैसे भी अच्छी होती है। तो बाबा थोड़ा सा कैमरा शाय है, ये अभी बाद में तारीफें करेंगे इंशाल्लाह क्योंकि मेरे और बाबा के टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर वीडियो को मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये रेसिपी एक बार ज़रूर अपने घर में बना के देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है ये। और एक तो ये है कि सौगात है, दूसरा ये है कि लाइट वेट है, कोई बंदा ब्लड प्रेशर का भी मरीज हो तो वो भी खा सकता है, मसालों से जिसे गुरेज करना वो भी खा सकता है। तो बड़ा मज़ा आया आज घर में ये बनी है, सब ने बड़ी खुश होकर खाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का मज़ा आया होगा, इस रेसिपी का मज़ा हमें तो बहुत ज़्यादा आया है, आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं। मैं अभी आप तक पहुँचा नहीं सकता, अगर मेरी रसाई होती तो मैं ज़रूर अपने भाइयों को इनवाइट करता, अपनी फैमिली को इनवाइट करता जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है,
तो अगर वीडियो को मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।